और आई होप कि मैंने किसी की गुस्ताखी नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है रमज़ान का चौथा रोज़ा और पहला जुम्मा, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। और बस अभी अफ्तारी का टाइम है और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, अफ्तारी की दावत है हमें मेरी नंद के घर, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और देखती हूँ कि बाकी सारे रेडी हैं कि नहीं। और माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, दिन भी बहुत अच्छे हैं, रोज़े इतने अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से आगे भी अल्लाह करेगा ये सारा महीना अच्छा ही गुजरेगा और रोज़े अच्छे ही गुजरेंगे। और आप सब भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है और आई होप कि मैंने किसी की गुस्ताखी नहीं की होगी। तो बस चलते हैं रिजिया व्लॉग्स के पास और देखते हैं कि वो रेडी है कि नहीं, क्योंकि वो और मैं साथ ही जाएंगे। मेरी सास जो है, मेरी मदर इन लॉ, वो ऑलरेडी वहीं पर ही हैं, तो बस वहाँ जाके और फिर आपसे मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं रिजिया व्लॉग्स के पास, चलते देखते हैं। पता नहीं कहाँ पे Arizia Vlogs? Where are you? Arizia Vlogs in washroom with Ariz. तो वो अभी वॉशरूम में अरीज को फ्रेश कर रही है, आए तो फिर उनसे मिलते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो अभी हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और अभी हम किचन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बना है। और बात नहीं करूँगी क्योंकि सारे बैठे हुए हैं। कि जब मैं इन लॉज में होती हूँ तो इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। बहुत अच्छी अफ्तारी की थी हमारी आपी ने और बहुत अच्छा लगा हमें। और खाना वाना भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा कि बाद में मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन फिर मुझे मौका ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। और माशाल्लाह से हमारे और भी रिलेटिव्स थे वहाँ पे, तो इसीलिए मुझे ऑकवर्ड फील लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया वहाँ पे। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के अफ्तारी और सहरी की वीडियोस आने वाली हैं और यहाँ पे भी, और मेरे मायके में भी, मैं अपने मायके भी जाऊँगी, वहाँ पे भी सहरियाँ होंगी, अफ्तारियाँ होंगी, तो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी सहरी का टाइम है और मैंने चावल बनाने रख दिए हैं, सहरी बना रही हूँ सबके लिए। और एक बहुत अच्छी यम्मी सी रेसिपी बना रही हूँ मैं, जो आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मिलेगी, और हेल्दी हेल्दी सी है, जो मैं अपने लिए अभी सहरी बना रही हूँ वो, तो वो रेसिपी भी आपको मिल जाएगी और आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी मैं अपनी ड्रिंक पी रही हूँ, जो कि मैं एनी हाउ रोज़ डेली सहरी में मैं वो ड्रिंक पीती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ड्रिंक कौन सी है। तो ये है जी मेरी ड्रिंक जो कि मैं पीती हूँ, इसबगोल, जो कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जब अंदर जाता है तो अंदर को ठंडा कर देता है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो ये मैं डेली पीती हूँ। सो चीयर्स एवरीवन।
काफ़ी लोगों को उसका टेस्ट अजीब सा लगता है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है क्योंकि मैं बहुत सारे साल हो गए हैं मैं ये पीती आ रही हूँ और अब मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है और ये पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। आज तो इतना हेवी खा लिया है, इतनी हेवी अफ्तारी करी है कि इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। तो अभी मैं अपनी ये ड्रिंक इंजॉय करती हूँ, उसके बाद जी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पे जी मैंने पराठों के पेड़े बना दिए हैं और चावल भी हमारे रेडी हैं और मैंने जो अपने लिए हेल्दी मज़ेदार रेसिपी बनाई है स्पेगेटीज़ वेजिटेबल स्पेगेटी वो भी रेडी है और ये सालन भी रेडी है और अभी बन रही है जी चाय। सबने सहरी कर ली है और मैं अपनी सहरी किचन में ही सबको सर्व करते और सहरी बनाते बनाते ही कर लेती हूँ, तो अभी मैं अपने पास्ता जो है वो किचन में ही इंजॉय कर रही हूँ चाय बनाते बनाते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए काम करना और अपनी फैमिली को सहरी करवाना, क्योंकि सहरी करवाना भी एक सवाब का काम होता है। तो मैं अपनी फैमिली को सहरी करवाती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ, खुद भी रोज़ा रखती हूँ, उन्हें भी रखवाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही थी जी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अब इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।